मध्य प्रदेश को एक और जहां उद्योग और माइनिंग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है, तो अब पर्यावरण की दिशा में बेहतर करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नवकरणीय ऊर्जा पर सरकार का खासा फोकस है। राकेश शुक्ला हमारे साथ हैं जो नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। सर, एक बड़ा प्रोजेक्ट आपने ओमकारेश्वर में लगाया है, इस तरीके के और प्रोजेक्ट अब मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भी लगाए जाएंगे। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से लगातार मध्य प्रदेश अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो ओंकारेश्वर में है वो विश्व का एक बड़ा प्लांट है, बड़े प्लांटों में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात यह है कि वो अजूबा है और पूर्ण रूप से स्वदेशी है और इस क्षेत्र में हम चाहे बिरसिंहपुर हो, इंदिरा सागर बांध हो, जहां भी हमको जो संभावनाएं दिख रही हैं, हमारे लगातार विभाग की तरफ से लगातार काम कर रहे हैं, हम सरकार की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और इसके परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। सोलर के क्षेत्र में भी कई जिलों में हमने जमीन देखी है, लगातार उसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। लगातार मध्य प्रदेश में अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और परिणाम देखने को भी मिलेंगे। सर, एक अवेयरनेस की भी कहीं ना कहीं जरूरत जरूर महसूस होती है क्योंकि लोग घरों पर सोलर एनर्जी का किस तरीके से अच्छे ऊर्जा का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें उसको लेकर भी आप आने वाले समय में, क्योंकि अब ऊर्जा विकास निगम का चार्ज भी आपके पास है। मैंने कहा ना, इसके लिए हम लोग बैठेंगे और बहुत जल्दी बैठेंगे, इसलिए चार्ज आज हमने यहीं से लिया है जी, निवास से ही, और लगता है बहुत जल्दी हम सब टीम के साथ बैठेंगे और कैसे जो प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति है, जो उनका उनके नेतृत्व में अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में जहां भी सोलर लग रहे हैं, कैसे ऊर्जा विकास निगम को और पावर के साथ किस तरीके से उसमें आगे ले जाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा और इसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो जाएंगी, कहना है राकेश शुक्ला का। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी।